आज हम बड़ी ऊ की मात्रा का अगला पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है भालू आया। सभी बच्चों ने सीधा पढ़ना है। देखिए, भालू आया घूम कर, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया झूम कर, बगुला बिगुल बजाता आया, ठुमकी चुहिया उछल राग सुनाता गीदड़ आया, हिरनी नाची मचल। तो बच्चों, आप सभी ने इस पाठ को पढ़ना है और सभी ने सीधा ही पढ़ना है। इससे आगे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर है कि छोटे ऊ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है और बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है और दोनों का उच्चारण में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है जबकि बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण थोड़ा धीमा होता है जैसे उ, और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण थोड़ा सा लंबा होता है जैसे उ। तो देखिए शब्द क्या अंतर है इनके उच्चारण में। इसमें छोटे ऊ की मात्रा है बुरा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है बुरा। चुना चूना, झूला झूला, कुल कूल, बुढ़िया बूढ़ा, लूटना लूटना। तो बच्चों, आपने देखा छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण में क्या अंतर आया है। आप सभी ने भी इन शब्दों को बार बार पढ़ना है और इनके उच्चारण में अंतर को स्पष्ट करना है। आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने इस पाठ को पढ़ना है और साथ ही छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के में अंतर करना है और उनके उच्चारण को समझना है।